विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में सोमवार को भगवान महाकाल भक्तों को एक साथ पांच रूपों में दर्शन देने वाले हैं। मंदिर की पूजन परंपरा में इसे पंचमुखारविंद दर्शन कहा जाता है। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के बाद फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा पर चंद्र दर्शन के दिन साल में सिर्फ एक बार भक्तों को भगवान के इस दिव्य रूप के दर्शन होते हैं। पंचमुखारविंद श्रृंगार में पुजारी भगवान महाकाल को एक साथ पांच मुखारविंद धारण कराते हैं, जिसके बाद बाबा महाकाल अपने भक्तों को छबीना, मन महेश, उमा महेश, होलकर और शिव तांडव के स्वरूप में एक साथ दर्शन देते हैं। महाकाल मंदिर की परंपरा अनुसार फाल्गुन कृष्ण पंचमी से फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी महाशिवरात्रि तक 9 दिन शिव नवरात्रि उत्सव मनाया जाता है। इन्हीं 9 दिनों में पुजारी भगवान महाकाल का नृत्य नए स्वरूप में अलग अलग श्रृंगार करते हैं। देखिए, परंपरा है महाकालेश्वर मंदिर की, उस परंपरा का अनुसार 9 दिन की नवरात्रि महाकालेश्वर मंदिर में बड़े धूमधाम से मनाते हैं। 9 दिन की नवरात्रि का समापन हुआ है, शिवरात्रि का पर्व बड़े धूम से हुआ है। शिवरात्रि के बाद भगवान का सेहरा दर्शन वगैरह सब संपन्न हो के, ये हमारे यहाँ की परंपरा है कि दूज के दिन भगवान महाकालेश्वर के ऊपर पंच मुखाटे जो प्रतिदिन रखे जाते हैं भगवान पे, उनको धारण कराते हैं। तो इस झांकी को बोला जाता है पंच मुखोटों की झांकी, पंच मुखोटों का दर्शन। तो पांच मुखाटे जो पांच दिन तक अलग अलग रूप में भगवान पे रखे जाते हैं और वो एक ही दिन रखते हैं उनके ऊपर। तो इसलिए कि जिस भक्त ने नवरात्रि में दर्शन नहीं किए हैं, वो दूज के दिन इस परंपरा का दर्शन कर ले तो उसको नवरात्रि का फल प्राप्त होता है। इसलिए दूज के दिन भगवान महाकालेश्वर पे जो परंपरा अनुसार पंचमुकुटों की जो दर्शन है वो कल होना है। और ये कार्यक्रम 3 बजे से लेके प्रारंभ होगा मूर्तियों को रखने का, जो रात्रि के 10 बजे तक दर्शन व्यवस्था भक्तों को मिलेगी। जानकारी अनुसार 11 मार्च यानी आज भगवान महाकाल विराट स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देंगे। वही इस दिन 3 बजे के बाद भगवान को उमा महेश, मन महेश, शिव तांडव, होलकर और छबीना स्वरूप में विशेष रूप से सजाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक महाशिवरात्रि पर्व संपन्न होने के पश्चात सोमवार को चंद्र दर्शन यानी आज चंद्र दर्शन के दिन भगवान महाकाल विराट स्वरूप में भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। लोकल 18 उज्जैन से शुभम मर्मट की रिपोर्ट। इस वीडियो में दी गई जानकारी पंडित अनुसार है, लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है।